नजरीन पिछले 15 साल से कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में वाकया ट्राइमैक्स नामी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले 64 साल डॉक्टर फुरकान ने जब बाकी अस्पतालों से मायूस होकर अपने इलाज के लिए खुद को इसी अस्पताल में दाखिल करवाने की आखिरी कोशिश की, मगर 15 साल की नौकरी के बावजूद भी इन्हें अस्पताल में दाखिल ना किया गया और ना ही इन्हें फौरी तिबी इमदाद दी गई, जिसके 22 एतवार को वो अपने घर में ही इंतकाल कर गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि अपनी सारी जिंदगी मरीजों को देने वाले डॉक्टर फुरकान कौन थे? क्या वाकया ही उन्हें आखिरी लम्हात में वेंटिलेटर नहीं मिल सका था और उन्हें ट्राइमैक्स अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं किया था जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल गुजारे थे? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। नजरीन सूबा सिंध से तल्लक रखने वाले डॉक्टर फुरकान ने अपने मैट्रिक की तालीम 1972 में हासिल की और 1976 में इंटर बोर्ड सिंध से अपना प्री मेडिकल मुकम्मल किया। इसके बाद सिंध मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया जहां उन्होंने 1984 में अपनी MBBS की डिग्री हासिल की और बाद में अपनी हाउस जॉब जिना अस्पताल से मुकम्मल की। जबकि डॉक्टर फुरकान मराज़े क्लब के मायर थे और उन्होंने मराज़े क्लब में डिप्लोमा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से 2016 में हासिल किया था। इस दौरान उन्होंने इसी अस्पताल से अपनी रेजिडेंसी भी मुकम्मल की और यहां ग्रेड 17 पर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के तौर पर 6 फरवरी 2010 को तैनात हुए और 5 अक्टूबर 2016 को उन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट ले ली थी। जबकि अमराज़े क्लब के अस्पताल के IDH से तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ताहम इसी दौरान उन्होंने ट्राइमैक्स अस्पताल में बतौरे डॉक्टर अपनी मुलाजमत जारी रखी। वो 15 साल तक इस अस्पताल का हिस्सा रहे और वफात पाने से एक हफ्ता कबल भी वो इसी अस्पताल की एमरजेंसी में रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों का इलाज कर रहे थे। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए कि डॉक्टर फुरकान को ट्राइमैक्स अस्पताल में क्यों नहीं दाखिल किया गया था जहां इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल दिए थे, तो इसके बारे में अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इनकी हालत इस कदर ख़राब थी कि अगर हम इन्हें अस्पताल में दाखिल कर भी लेते तो हम इन्हें सिर्फ देखते रहते और वो हमारे सामने दम तोड़ देते। यहाँ वो तभी सहूलियात मौजूद नहीं थी जिससे हम इनकी जान बचा पाते। इन्हें इसी वजह से अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया था क्योंकि ट्राइमैक्स अस्पताल की इसी के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों को दाखिल करने की इजाजत नहीं थी। जबकि डॉक्टर फुरकान की अहलिया का कहना है कि जिस दिन उनके शोहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम इन्हें इंडस अस्पताल में लेकर गए जहां कोई बेड खाली नहीं था। उस वक़्त इंडस अस्पताल के कोरोना वार्ड में सिर्फ 26 बेड और 15 वेंटिलेटर थे जिनमें से उस वक़्त तमाम कोरोना के मरीजों के इस्तेमाल में थे और ये उसी ही सूरत में खाली होते हैं जब किसी मरीज़ की वफात होती है या किसी दूसरे अस्पताल में उनका तबादला होता है। नजरीन इसी के साथ हम आज के वीडियो का अहतमाम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।